हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे रिलायंस पावर की तरफ से। बहुत ही तगड़ी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी और इस वीडियो के अंदर हम रिलायंस पावर की वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दो अदर कंपनी की भी वैकेंसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। फ्रेशर का मतलब ये रहता है कि अगर आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं और आप फ्रेशर हैं बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, कौन कौन सा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपकी ब्रांच यहाँ पे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है या फिर इनसे रिलेवेंट कोई भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा कर रखा है इसको अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आपने यहाँ पे BBTech कर रखा है किसी भी ब्रांच में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे MEMTech कर रखा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। पोजीशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का वैकेंसी देखने को मिल जाता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का वैकेंसी देखने को मिल जाता है, सुपरवाइजर का वैकेंसी देखने को मिल जाता है, सीनियर इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको साइट इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलता है। सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो ये सारा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका पोजीशन देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे लगभग 1342 वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिल जाता है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इवन आपका जॉब लोकेशन क्या देखने को मिलेगा, CTC आपका क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा और इसको यूट्यूब पर सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पर यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट हमने रखा है वो रखा है हमने यहाँ पर 900+ लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बिना कंजूसी किए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा BBTech कर रखा है, कौन से ट्रेड के अंदर IT कर रखा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट दूंगा जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझको बताया है। और कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको प्रीमियम टाइप की जॉब का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, सीट यहां पर लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाले उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ध्यानपूर्वक देखेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर ली है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि रिलायंस पावर का ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आ चुका है इनके कैरियर वाले सेक्शन की तरफ, जॉब डिटेल यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आप एंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ एंट्री को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, जैसे कि एक चार्ट मेंशन किया गया है, जॉब टाइटल के बारे में बता रखा है, आपका फंक्शनल एरिया क्या रहेगा, लोकेशन क्या रहेगा और ये कब वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलेगा, बेसिकली जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट आपका सैलरी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 जुलाई को वैकेंसी पब्लिक किया गया है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। ऐसे ही आप लोगों के लिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलेगा और कुछ वैकेंसी यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग की भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपका फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि किसी वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस मांगा है तो सारी वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको जेन्युइन अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए यहाँ पे पहली वैकेंसी रहेगी फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का, ये आपका ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर जो आपका बिजनेस एरिया रहेगा वो आपका मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा, जामनगर आपका जॉब लोकेशन रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख लीजिएगा इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने BSc कर रखा है, MSc कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है केमिकल ब्रांच में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने
नहीं मांगा। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके दिखाऊंगा, टेंशन ना ले। सबसे पहले सारी वैकेंसी को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वैकेंसी रहेगा, या आपका जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है 27 जुलाई को, और यहाँ पे जो आपका फंक्शनल एरिया रहेगा वो आपका प्रोडक्शन का देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन का यहाँ पे फंक्शनल एरिया आपका रहने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका बैचलर डिग्री मांगा है, तो अगर आपने बीटेक कर रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल तक का यहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। लेकिन अगर आपके पास 1.5 साल का भी एक्सपीरियंस है, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, उसके साथ साथ आपने किसी कंपनी में काम कर रखा है, लगभग 1.5 साल तक एक्सपीरियंस यहाँ पे है, आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। चांसेस रहेंगे यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के। अप्लाई का बटन यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्किल को भी देख लीजिएगा कि इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 26 जुलाई को वैकेंसी पब्लिक किया गया। इसमें भी आपका डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का रहेगा, और इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बार अच्छे से देख लेना। और अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस मांगा है, तो अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है कहीं से भी, और 1 साल अगर आपने किसी कंपनी में काम कर रखा है किसी भी प्राइवेट कंपनी में, तो आप इन 2 साल के बेस पे, मतलब कि ये आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएंगे, तो आप इसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अप्रेंटिसशिप जो आपने किया है उसको एज ए एक्सपीरियंस अपने रिज्यूम के अंदर यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। अप्लाई का बटन यहां पे नीचे दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहां पे स्किल सेट वाले सेक्शन को पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने क्या की स्किल मांगा है। अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये आपका रहेगा यहाँ पे इंजीनियर का। 14 जून को वैकेंसी पब्लिक किया गया। इसमें आपका जॉब लोकेशन वडोदरा गुजरात का देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच एलिजिबल है, लेकिन जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा यहाँ पे मैकेनिकल वालों को। लेकिन अगर मैकेनिकल वाले अप्लाई नहीं करते तो प्रेफरेंस अदर ब्रांच को भी दिया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। अप्लाई का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और वैकेंसी के बारे में, जो कि दूसरी कंपनी से निकाली गई है। मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, हम ऐसी कंपनी की भी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कोई यूट्यूबर डिस्कस नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सॉफ्टकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी निकाली गई यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर। डिप्लोमा आपका इंजीनियर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। 1 दिन पहले वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया। 10 यहाँ पे पोजीशन आपका रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 10 देखने को मिलेगी। नोएडा उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर का आपका जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अप्लाई जरूर कर देना, कंपनी बढ़िया रहेगी, 1-2 साल काम करिएगा। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कंपनी को स्विच कर सकते हैं दूसरी कंपनी में। तो यहां पे बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फुल टाइम परमानेंट जॉब आपका रहेगा, और अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, या फिर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है मैकेनिकल में, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो कैड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, बेसिक ऑटो कैड आपको यहाँ पे आना चाहिए। बाकी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले जॉब ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। सैलरी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सैलरी मेंशन कर रखा है, 3 लाख रुपये पर एनुअल आपका सैलरी यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे टॉप पे बटन दिया है, अप्लाई नाउ का, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इससे पहले था मैकेनिकल वालों के लिए। तो ये जो वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, सेम कंपनी रहेगी, सॉफ्टकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलेगी। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का आपका पोजीशन रहेगा। इसमें जो सैलरी रहेगा 1,75,000 रुपये पर एनुअल से लेकर 3,25,000 रुपये पर एनुअल आपका सैलरी देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन यहाँ पे आपको गुड़गांव हरियाणा का देखने को मिल जाता है, दिल्ली एनसीआर का देखने को मिल जाता है, और नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे 1 दिन पहले ही जॉब वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने निकाली है। इसके साथ साथ बात की जाए, यहाँ पे भी आपका परमानेंट जॉब रहेगा, फुल टाइम जॉब आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा बीटेक वाले यहाँ पे एलिजिबल
रहेंगे। स्किल सेट यहाँ पे मांगा गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने क्या यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसको आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर दीजिएगा। जॉब ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। और एकोमोडेशन भी आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी। एंड यहाँ पे अप्लाई का बटन मिल जाता है ऊपर, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, और लास्ट आता है यहाँ पे जो आपका रहेगा DET का और GET का पोजीशन रहेगा। सिविल डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, और ये जो कंपनी आपको देखने को मिलेगी, ये कंपनी आपकी रहेगी URC कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी काम करती है कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर आप फ्रेशर है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टार रेटिंग दे रखा है, तो आपका जेन्युइन देखने को मिलेगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। सैलरी यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी आपको देखने को मिलता है, 4 लाख रुपये पर एनुअल सैलरी आपके यहाँ पे रहेगा। बाकी डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू यहाँ पे कैसा जाएगा। बात की जाए यहाँ पे जो आपका कैंडिडेट प्रोफाइल के बारे में, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, BBTech किया है, सिविल डिपार्टमेंट के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका परमानेंट जॉब रहेगा, फुल टाइम जॉब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। जॉब ट्रेनिंग रहेगा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग रहेगा, फ्री फूड रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी यहाँ पे देने वाली है, तो आपको यहाँ पे टेंशन भी नहीं लेनी। तो और यहाँ पे टॉप पे अप्लाई का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इन सारी वैकेंसी के जो अप्लाई लिंक है, मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ध्यानपूर्वक एक बार गौर से देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा और आप वन बाय वन सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का कोई भी भरोसा नहीं रहता कि कभी भी जॉब वैकेंसी एक्सपायर हो सकती है। और आप कौन सी लोकेशन से बिलोंग करते हैं और आप कौन सी एरिया के अंदर अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर से बता दीजिएगा। अगर मेरे कोई ध्यान में वैकेंसी रहेगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे प्रीमियम ग्रुप रहेंगे जो कि फ्री में आपके लिए ओपन है, तो जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।